जो है वो बुलंद होती है। और अभी अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि हम NPR लागू करेंगे, तो हम उनको, जो NPR है वो NRC की फर्स्ट स्टेज है, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि आंदोलन जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक CAA NRC वापस नहीं हो जाता। लड़ने वाले अतर खान को रिहा करो, जनता के साथ ये लोग भेदभाव करें। और साथियों, ये जो इनकी चाल है कि 31,000 लोगों को नागरिकता देने के लिए ये 134 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर देना चाहते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठेगी और उठती रहेगी। और इस देश के छात्र नौजवान चार के खिलाफ आवाज उठती है, वो उस आवाज में शाहीन बाग की आवाज ही होती है। हिंदुस्तान के कोने कोने पर आज जहाँ भी आंदोलन चल रहा है वहाँ शाहीन बाग की आवाज चेतावनी है। दो साल हो गए हैं सेलिब्रेशन में, कुछ लोग अंदर भी हैं, कुछ लोग जमानत से बाहर भी हैं। देखिए, ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, दुख की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक चुप है। दो साल में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इस विषय पर, तो ये सबसे गंभीर बात है एक लोकतंत्र के लिए, इस बात पर हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे संविधान की जो आत्मा है जो कि किसी के साथ भी गैर बराबरी को अलाउ नहीं करती है, तो ये कैसे कानून बनाया जा सकता है कि हमारे देश में नागरिकता दी जाएगी लेकिन सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी जाएगी? ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत ही एक गलत गैर बराबरी को बढ़ा रहा है, ये सिर्फ इनका वोट बैंक तैयार करेगा। और जिस तरीके से ये धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और अपनी वोट की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, इसके खिलाफ देश की जनता CAA NRC और NPR के खिलाफ एकजुट होकर इनको सबक सिखाएगी। का दिन जो आपके सामने अभी हम पेश करने वाले हैं, ये महाराष्ट्र की एक बहुत जानी मानी लोक शायर है, उनका नाम शीतल साखे है। यहाँ पे से बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते होंगे, अपने आप को दलित कल्चरल एक्टिविस्ट। देखिए, जो BJP RSS है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग उन लोगों को देते हैं जो कि समाज के अंदर जो सही संवैधानिक चीजें चल रही हैं उनके खिलाफ जो काम करते हैं, जो आतंक का माहौल पैदा करते हैं, जो जनता को सही मांग उठाने पर रोकते हैं, ये उन लोगों को प्रेशर देते हैं और उन लोगों को ही नेता बनाते हैं। अभी किसान आंदोलन में आपने खट्टर जी को सुना कि लाठियां उठा लो, मतलब लाठियां उठाने का पैमाना क्या था कि जितने दिन जेल में रहोगे उतने दिन ही बड़े तुम नेता बनोगे, तो ये तो इन लोगों का एक सिद्धांत है। तो ये इनका सामाजिक समस्याओं से लेना देना कुछ भी नहीं है। और ये बात ये भूल जाएं कि RSS चाहे कितना भी आतंकी संगठन ये क्यों ना बना ले, लेकिन जब देश की जनता लामबंद होगी, जब छात्र मजदूर किसान महिला एकजुट होगी, तो इनके ये एक मिनट के अंदर भी ये लोग नजर नहीं आएंगे, चाहे RSS हो चाहे BJP। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी भूल है। देखिए, इस देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो बहुत मजबूत है। छात्र नौजवान आज जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन है, क्या ये किसानों की बदौलत जीता है? क्या उसमें महिलाओं ने साथ नहीं दिया? क्या छात्रों ने साथ नहीं दिया? क्या उसमें युवाओं ने साथ नहीं दिया? तो एकजुटता होती है, लड़ाई में एकजुटता होती है, लेकिन ये जो CAA NRC का जो मुद्दा लेकर आए हैं, ये सांप्रदायिक मुद्दा इन लोगों ने बना दिया है। और 2014 से लेकर ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि 1925 से लेकर ये जो जहर घोल रहे थे देश की जनता में, जो सांप्रदायिक जहर घोल रहे थे, ये उसका नतीजा है कि आज हमें ऐसा लगता है कि लोग धर्म के धार्मिक या सांप्रदायिक हो गए हैं, एकजुट नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षित तबका आज भी समाज में मौजूद है जो कि लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा है कि लोग एकजुट, जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो यही तय हो गया ना, जब शाहीन बाग में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो लोग कहते थे अरे क्यों जा रहे हो, ये तो मुसलमानों का आंदोलन है, अरे क्यों जा रहे हो, ये तो खत्म हो जाएगा ये आंदोलन, ये जीतेगा नहीं, क्या जरूरत है पैसे लेकर बैठेंगे। लेकिन आप देखो, जो किसान, मैं भी एक किसान के घर की बेटी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, हमें किसान आंदोलन में थी, वही किसान जो ये कहते थे कि क्यों शाहीन बाग आंदोलन में जा रहे हो, क्यों इस CAA के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, उनको भी तो सड़कों पे उतरना पड़ा ना।
उन्हें भी 2 साल के बाद सड़कों पर उतरना पड़ा। तो आज कोई तबका ऐसा नहीं है जो सड़कों पर नहीं उतरेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है आंदोलन और संगठित आंदोलन। इसलिए एक हो सकता है हमारे विचार ना मिले आपस में, लेकिन हमें एक विचार, एक बात पर तो विचार मिलाना होगा कि अगर हमारा संविधान ही नहीं रहा, अगर हमारे संविधान के साथ ही खिलवाड़ नहीं रहा, तो इस देश की जनता कैसे बचेगी। तो ये संविधान की लड़ाई है, इसीलिए हमें सबको एकजुट होना होगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, इस सीए के खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि ये मार आज हमें मुसलमानों पर लग रही है, लेकिन कल ये हर एक देश के हर नागरिक के ऊपर ये मार आने वाली है। एनआरसी का मुद्दा भी उठ रहा है चुनाव में, और सुद्दीन वैसी बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि डंडे पर से या कानून अगर कोई हाथ मिल गया तो चुनावी मुद्दा नहीं बने। देखिए, इनको बोलने दीजिए, ये बोल तो ये भी रहे थे कि किसान आंदोलन कभी वापस नहीं हुए, किसान जो बिल है वो कभी वापस नहीं होंगे, लेकिन कैसे वापस हो गए। इसलिए इनके बोलने से कुछ नहीं होता है, हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, हमें जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग छिन्नमूल नहीं है, हमारी जड़ें हैं, हमारी जड़ें इस देश के नौजवान जो शहीद हुए हैं वो हमारी जड़ें हैं, उनके साथ हम हैं, उनका खून हमारे इस देश के नौजवानों में दौड़ रहा है। इसलिए हमारा देश का नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र जीतेगा और हर समस्या के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है, आप बहुत सारे लोग जब बात करते तो पहले कोई बात नहीं, अंदर तो जाना ही होगा ना। दो ही तो चीजें हैं, हमारी जबान बंद तभी होगी, या तो हम जेल में जाएंगे या हम मर जाएंगे, बस तभी हमारी जबान बंद होगी, वरना हमारा अधिकार है, हम जो बोल रहे हैं वो हम अपने संवैधानिक अधिकार का पालन कर रहे हैं, हम ऐसे ही अनर्गल नहीं बोल रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो देश के हित में बोल रहे हैं। हमें ये बताए, हम जितने भी सीए एनआरसी के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है, उनका कसूर क्या है। एक आप अमित शाह जी पूरे देश की जनता के सामने खड़े होकर बता दें कि उन्होंने क्या क्राइम किया है। क्या अपनी नागरिकता को बचाना कोई क्राइम है? क्या अपने देश के जो एक आबादी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या उसके खिलाफ जो कानून लाए जा रहे हैं, क्या उनका समर्थन करना कोई अन्याय है? अगर ये प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी या कोई भी, क्योंकि मोदी जितने खट्टर वट्टर जो भी बता दे, तो हम सम्मान करेंगे कि इसमें क्राइम क्या है। संविधान के अनुसार हमें बताएं कि क्या क्राइम किया है उन लोगों ने, जिनको इन लोगों ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया हुआ है। और ये जो यूएपीए है, इसको भी रिपील करने की मांग को लेकर हम लोग आंदोलन को संगठित करेंगे। दिल्ली दंगा भड़काने में बीजेपी के लोगों का हाथ था, उन लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया, उनको तो नेता बनाया जा रहा है। दुख की बात यही है, लेकिन जो लोग अपने देश के संविधान के लिए लड़ रहे थे, उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये है इनकी सच्चाई, ये सरकार है। इनमें और ब्रिटिश सरकार में क्या अंतर है? हम लोग पढ़ते आए थे इतिहास में कि इन लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी ने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। सावरकर ने माफी मांग कर 5-5 लेटर लिखकर माफीनामे के वो इन्होंने अंग्रेजों को दिए कि मैं बच्चा हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं आपका काम करूँगा। आज वो अंग्रेजों का ही काम कर रहे हैं, ये साबित हो चुका है। आंदोलन शुरू है, आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ। इन्होंने किसी तरीके से आवाज को बंद किया, जबरदस्ती कुचला महिलाओं को धोखे से, जब बहुत संख्या में कम थे वहाँ पर महिलाएं, तब उन लोगों ने आंदोलन को रौंदा है। तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आज भी सीए एनआरसी का आंदोलन हर एक रग रग में चल रहा है। वो उनके ऊपर है, हम उनको बुला रहे हैं, आंदोलन की आवाज जरूर पूछती है। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि ये लोग सरकार बोल रही है कि सीए एनआरसी जो एफबीआर जो ये सारे कानून जो लेकर आए हैं, ये तो नागरिकता देने के कानून है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को आप नागरिकता देंगे? तो एक रिपोर्ट छपी थी, वो आप सभी ने सुनी होगी, उसमें कहा गया कि 31,000 लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसीलिए सरकार कह रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन साथियों, हम पूछना चाहते हैं कि एक बात तो ये है कि पहले से ही हमारे देश में नागरिकता का कानून है, वहाँ किसको मना किया गया है नागरिकता देने के लिए? अगर सरकार चाहती है कि हमारे देश में जो लोग भी रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए, तो कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अभी ये लोग 31,000 लोगों को, जिसमें सिख है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें हिंदू है, लेकिन मुसलमान नहीं है। लेकिन साथियों, हमारे देश का संविधान की जो आर्टिकल 14 और 21 है, उसमें कहा गया है कि इस देश की कोई भी सरकार इस देश में रहने वाले किसी भी
कि मोदी और अमित शाह जी आप सपने ले लीजिए कि हम एनपीआर लागू करेंगे, आप नहीं कर सकते। अभी देश का नौजवान